और चाबी लेकर हम चलते हैं यार अंदर की तरफ। अंदर की तरफ चलकर देखते हैं यार किचन रूम कहाँ पे है, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमें दिख जाता है किचन रूम, तो हम देख लेते हैं। वाह अभी अच्छा लग रहा है। ओ भाई अटक गया मैं तो। अरे यार कोई बात नहीं, चलो बाहर आ जाता हूँ। और बाहर आने के बाद मैं देखता हूँ तो किन भोसड़ी के ने ये कुर्सी तोड़ के गया है। अरे साला शर्म में नहीं आता है, साला खाया पिया कुछ नहीं, साला कुर्सी तोड़ा बाहर आना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तो। साला ये क्या खाया है उसने, ऐसा लग रहा भाई यहाँ पे तो चिकन का टुकड़ा रखा है। इतना खाया है भोसड़ी के ने कि क्या ही बोल दें, साला ख़त्म भी मतलब उसको पूरा फिनिश भी नहीं करके गया तो ये, और ऊपर में आके खोपड़ी छोड़ के गया है। अबे खोपड़ी क्या, अम्मा के शादी में आया था साले, खोपड़ी छोड़ के चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तो। और ये फ्रिज के अंदर मैं देख रहा हूँ मैं तो, मेरे को कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे तो। ऐसा लगता है यार आज के दिन तो भूखा ही रहना पड़ेगा। ये फ्रिज के अंदर में साला सब बना के सब खा पी के चला गया ये, आला हद हो गई आजकल। और देखिए बर्तन भी यहाँ पे छोड़ के चला गया ये, ओहो गजब हो गया यार आजकल यार, ये तो ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तो। चलो चाय देखता हूँ यार चाय है क्या, नहीं तो भाई चाय भी यार पूरा पी के चला गया साला, कितना भूखा नंगा था ये, कोई नहीं है, खा पी के चला गया ये। और ये पॉलीथिन में क्या रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तो। कोई बात नहीं यार जाने दो, आज ऐसा लगता है यार भूखा ही रहना पड़ेगा मेरे को तो। देखता हूँ यार फिर से यार जिसने कुछ, ये तो साला वही चिकन के टुकड़े छोड़ के चला गया भोसड़ी के, कौन खाया तो इतना भूखा नंगा, आज मेरे को भूखा ही रहना पड़ेगा।